नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट गिरीश। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं ये स्टेलॉन कंपनी का सिलिंड्रिकल डोर लॉक है मेरे पास, और आज हम इसका रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, और उसको कैसे एग्जैक्ट हम डोर में सेट कर सकते हैं उसका पूरा मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस सिलिंड्रिकल डोर लॉक को हमारे डोर में सेट कर सकते हैं और इसको हम किस तरह से इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। सो, ये जो कंपनी है वो स्टेलॉन है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, और ये स्टेलॉन जो कंपनी है वो हमें 3 ईयर वारंटी भी देती है। ISO 9501 कंपनी सर्टिफाइड है ये, और इसका आइटम कोड जो है वो 579 है। और इसको हम आप ओपन करके देखेंगे, इस तरह का कुछ ये सिलेंडर डोर लॉक है। सो, इसको ओपन करते हैं यहाँ से। अब हम इसको ओपन करेंगे, मैंने यहाँ से पूरा खोल दिया है इसको, ये ओपन हो गया। इस तरह का कुछ पैकेज आता है, पॉलीथीन की थैली में आता है, पॉलीथीन की बैग में आता है। सो, इसको यहाँ से हम खोल देंगे। सो, इस तरह से इस बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं। इस तरह का कुछ है ये सिलेंडर लॉक, पूरा पैक किया हुआ है। इसको मैं ओपन करूँगा, बैग को हम साइड में रख देते हैं। सो, आप देख सकते हैं पूरा न्यू, ब्रांड न्यू सिलिंड्रिकल डोर लॉक। सो, इसके साथ दूसरा जो बॉक्स में आया है उसमें ये दो, एक ये लॉकिंग का जो ग्रिप का सिस्टम है वो आया है, हम देख सकते हैं यहाँ से। और दूसरा जो है इसका डोर में लगाने का क्लिप आई है, दो क्लिप है यहाँ पे, ये देख सकते हैं कि इसके स्क्रू भी है, आप स्क्रू देख सकते हैं यहाँ पे। और चाबी जो आ रही है वो 3 चाबी है, अभी आप देख सकते हैं चाबी 3 है। सो, और कुछ नहीं है, बॉक्स खाली हो गया है। सो, इस तरह का कुछ प्योर स्टेनलेस स्टील का है, की लगा के देखते हैं। ये की हमने इंसर्ट कर दी है, एक साइड लॉक होता है, एक साइड की होता है, की को निकाल देंगे। सो, इसमें बेसिकली हमें जो करना है वो इसको ओपन करके ये जो वाला पोर्शन है लॉकिंग का, उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेट हो जाएगा, जिस तरह से आपको करना हो उस तरह से आप यहाँ पे ऐसे इसको सेट कर सकते हैं, और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो हॉल दिए हैं, आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे दो हॉल है। इस हॉल के अंदर हम कुछ भी की ऐड करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये की है। तो मैं अभी स्क्रू ड्राइवर लूँगा यहाँ से, और इस की के अंदर मैं इस लॉक के अंदर इस की को मैं ऐड करूँगा। खुल गया है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया हल्का सा, पूरा ये खुल गया। ये जो हमें लगाना है वो बाहर की साइड आएगा, ये हमारे घर के अंदर की साइड आएगा। ये पुश बटन है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे दो ये कट दिए हैं, ये कट पे ही पूरा ये निर्भर रहता है। अगर आप देखेंगे यहाँ से, मैंने ओपन कर दिया है, ये ओपन हो गया है, ये एक पॉइंट निकल गया, ये भी निकल गया। तो ये डोर जो होता है उसको बाहर से आप इसके अंदर ला सकते हैं, या तो फिर अंदर से इसको बाहर रख सकते हैं। ये जो कट है यहाँ पे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कट से ही आप इसको को ओपन कर सकते हैं, और ये एग्जिट जो ये पोर्शन है वो कट के अंदर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पुश बटन है, इसको आप दोनों साइड से लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक दी है दो साइड की, यहाँ से आप इसको ऐसे ज्वाइंट कर सकते हैं।
इस तरह से हो जाएगा ये जॉइंट इस तरह से। और जैसे इसको हम पुश करते तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से इसके अंदर आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट फिर पहले जाएगा यहाँ पे, और फिर ये वाला पॉइंट आएगा। बहुत ही स्मूथ ट्रांजेक्शन हो रहा है इसका, अगर आपने देखा हो बहुत ही अच्छी तरह से इसका जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो हो रहा है, बहुत ही स्मूथ वर्क करता है ये। मैंने पीछे को लॉक कर दिया है, सकते हैं पूरा। ये गोल्ड की शाइनिंग है यहाँ पे, ये क्रोम की शाइनिंग है, बहुत ही अच्छी शाइनिंग है, एकदम चमक रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये, ब्रांड का नाम आपको पता ही है स्टेलॉन। और आप ये मेरे नीचे दिए गए लिंक पे से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको फर्दर कैसे डोर में इसको प्लांट किया जाता है वो भी अगर आपको वीडियो देखना है तो वो भी मैं बना सकता हूँ, आप कमेंट में सिर्फ ऐड कर दीजिए। और इसको हम यहाँ से वाला पॉइंट है ये, यहाँ पे जो ग्रिप दिख रहा है ये वाला, इतना सा ग्रिप, छोटा सा जो ग्रिप है, उस ग्रिप के ग्रिप को ही हमें ये वाला जो पोर्शन है आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों परफेक्ट मैच होना चाहिए, तभी ये अंदर बैठेगा, वरना बैठेगा नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, जो ग्रिप है इसको एग्जैक्ट इसके अंदर ही बिठाना है तभी ये बैठेगा। इस तरह से इसको घुमाएंगे धीरे से, ये लॉक हो जाएगा। उस बटन मैंने प्रेस किया, जैसे ही मैं ये पुश बटन जो है उसको प्रेरित करूँगा, इसे घुमाऊँगा धीरे से, ये अनलॉक हो जाएगा। देख सकते हैं आप, जैसे इसको हम पुश बटन को प्रेस करेंगे ये लॉक हो जाएगा। इस तरह से कुछ ये वर्क करता है, बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आपके घर में पुराना कोई डोर लॉक बिगड़ गया है तो यहाँ पे दो हॉल आते हैं, इस हॉल के दोनों साइड है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ से भी अंदर सिंपल सा ऐसा पिन जैसा कुछ स्क्रू लेकर आप अंदर डालेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा और फिर इसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो होप आपको ये मेरा जो डोर सिलिंड्रिकल डोर लॉक है उसका ये अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो अगर मेरे चैनल पे आते रहेंगे, अगर उसको देखना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।